हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे हैं। तो आज हम लोग अभी जा रहे हैं घर देखने के लिए। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अभी हम लोगों का जो प्रेजेंट जहाँ पे रहते हैं ऑलमोस्ट लीज ख़त्म होने आया है, तो हम लोगों को दूसरा जगह रेंट के लिए देखना होगा। तो चलिए आप लोगों को भी जाते जाते बताएंगे कि यहाँ पे रेंट के लिए क्या क्या चीज़ देखना ज़रूरी है और इंडिया से यहाँ पे क्या क्या अलग होता है। यहाँ पे अगर आप घर रेंट में लेते हैं तो वो सारे डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जब इंडिया में घर देखते हैं तो जो चीज़ पहले देखते हैं कि एक तो दो ऑप्शन है वहाँ पे, इधर आप ऑनलाइन देख सकते हैं जैसे हम लोग पहले देखे हैं जब बैंगलोर में थे, और एक है जैसे बहुत सारे घर में वहाँ पे टू लेट लिखा रहता है। लेकिन US में जब आप घर ढूंढते हैं तब यहाँ पे ये टू लेट का ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होता है कि डायरेक्ट आप ब्रोकर को कॉल करके घर देखने चले गए। तो यहाँ पे बेसिकली ऑनलाइन ही आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो ऑनलाइन देखने के लिए यहाँ पे बेसिकली कुछ वेबसाइट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि वेबसाइट के थ्रू यहाँ पे देखना होता है, तो यहाँ कुछ फेमस वेबसाइट है जैसे कि है apartments.com या फिर Zillow। हम लोग यही दोनों प्रेफर करते हैं हमेशा, और बहुत सारे और भी हैं लेकिन ये थोड़ा रिलायबल होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दिया रहता है वो एग्जैक्टली होते हैं। तो जैसे apartments.com के थ्रू हम लोग सर्च किए हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए यहाँ पे अगर आप रेंट लेने जा रहे हो? तो इंडिया में जब हम लोग रेंट लेते हैं यूजुअली दो ऑप्शंस रहते हैं, या तो आप अपार्टमेंट देखते हैं और या तो आप इंडिविजुअल हाउस देखते हैं। उसमें भी हम लोग जैसे फर्निश, शेमी फर्निश ये सब देखते हैं। लेकिन यहाँ पे चार तरीके के घर मिलते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहता है जैसे आप या तो अपार्टमेंट ले सकते हैं, या फिर आप टाउन होम ले सकते हैं, या यहाँ पे कॉन्डोज होते हैं और उसके साथ साथ इंडिविजुअल हाउस भी होते हैं। तो जो भी आपको लेना है उस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका किस तरीके का हाउस चाहिए उसका क्राइटेरिया। नेक्स्ट होता है लोकेशन। तो इंडिया में जब हम लोग देखते हैं तो लोकेशन मैटर करता है, लेकिन जैसे हम लोग देखते हैं कि ऑफिस से कितना पास होगा अगर आप वर्किंग है तो उस केस में आप देखते हैं। लेकिन स्कूल्स इंडिया में उतना हम लोग देखते नहीं है, क्योंकि आप कोई भी लोकेशन से किसी भी लोकेशन में बच्चे को भेज सकते हैं। जैसे अगर आप चाहे कोई अच्छा स्कूल में भेजना है, अगर वो दूर भी हो तो भी आपके पास वो ऑप्शन रहता है। लेकिन US में ऐसा नहीं है, यहाँ काउंटी चलता है और काउंटी के हिसाब से आप उस एरिया में है या नहीं तो ही आप उस स्कूल में आप डाल सकते हैं बच्चे को। तो इसलिए यहाँ पे एरिया देखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपके बच्चे हैं तो आपको पहले स्कूल देखना होगा, कौन से स्कूल में उसको भेजना है, रेटिंग चेक करना पड़ता है। तो हम लोग जैसे greatschool.org करके एक वेबसाइट है, वहाँ रेटिंग चेक करते हैं। तो जैसे स्कूल 8, 9, 10 रेटिंग वाले हैं तो अच्छे हैं, तो उस हिसाब से हम लोग पहले देखते हैं, वो एरिया को सिलेक्ट करते हैं। अगर बच्चे नहीं है तो फिर हम लोग देखते हैं कि ऑफिस अगर आपको जाना पड़ रहा है, वर्क फ्रॉम होम नहीं है, उस केस में कितना डिस्टेंस है वो देख के फिर उस एरिया को हम लोग चूज करते हैं। तो फिर जब आपको समझ में आ जाए कि ओके ये एरिया अच्छा है, अगर कोई घर पसंद आए तो सबसे पहले आपको नंबर रहेगा वहाँ पे, कोई अगर ब्रोकर है या कोई कंपनी है जहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, या ओनर का नंबर दिया रहेगा तो आपको वहाँ पे कॉल करके फिर अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग इंडिया में बोलते हैं ना कि मैं शाम को आ जाऊँगा या सुबह आ जाऊँगा तो हो गया। तो यहाँ पे प्रॉपर अपॉइंटमेंट बुक होता है। जैसे हम लोगों को 12 बजे का टाइम मिला था तो हम लोग वही टाइम पे जा रहे हैं, और उस टाइम पे वहाँ कोई होगा जो आपको घर दिखा देगा। तो ये भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज होता है। हम लोग अभी पहुँच गए हैं और यहाँ पे ऐसे लीजिंग ऑफिस रहता है, जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे अभी अपॉइंटमेंट हम लोग लिए थे, तो बस 12 बज गया है तो हम लोगों को अभी जाना है। तो चलिए अंदर जाके पहले काम कर लेते हैं अपना। अभी तो हम लोग देख लिए है, तो देखने के बाद और एक चीज जो याद आया वो आप लोगों को बताना है। तो नेक्स्ट आप लोगों को क्या देखना है कि अपार्टमेंट में आप लोगों को क्या क्या अप्लायंसेस दिया गया है। Correct. तो सबसे पहले तो मुझे किचन देखना होता है, तो किचन में डिश वॉशर और रेफ्रिजरेटर और जो माइक्रो ओवन वगैरह होता है Correct. वो सब ठीक ठाक से है या नहीं, और ओवन वगैरह। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये काफी पुराना है, तो आप लोगों को बिल्ड भी देखना होगा प्रॉपर्टी का। अगर yes. बहुत पुराना है तो
अप्लायंसेस भी टूटे फूटे हो सकते हैं, तो ये इसमें हम लोगों को दिखा भी। हाँ, हम लोगों को डिशवाशर का टूटा हुआ था। करेक्ट। तो बहुत ज्यादा हम लोगों को लगा। और एक चीज जो देखना है, जैसे कि वॉशर ड्रायर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक तो यहाँ पे मेड नहीं मिलता है, आपको ही सब कुछ खुद को करना होता है। तो यहाँ क्या था, वॉशर ड्रायर का ऑप्शन नहीं था, खाली प्लग पॉइंट दिया हुआ था, आपको या तो खुद से खरीदना होगा नहीं तो रेंट में लेना होगा। करेक्ट। तो ये एक रेंट में तुम चेक भी की थी, $50। हाँ, $50 पर मंथ पड़ेगा रहने से, वो ठीक है, बट स्टिल मतलब प्रॉपर्टी का थोड़ा नया होना जरूरी है, नहीं तो बहुत ज्यादा पुराना प्रॉपर्टी होगा तो जो इंटीरियर वगैरह है, जैसे मॉड्यूलर किचन, देख के आपको लगेगा ही नहीं कि मॉड्यूलर किचन है, बस लगेगा कुछ वुडन का ऐसे ही बस पेंट करके ऊपर से दिया जो भी हम लोग देख के आए, तो वो थोड़ा आप लोग चेक कर लीजिएगा प्रॉपर्टी का एज। और क्या देखना है, जैसे एसी कूलिंग। करेक्ट। एसी कूलिंग प्लस और क्या देख सकती हो? हाँ, बस एसी कूलिंग हीटिंग वो भी देख लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि ठंड रहता है तो बहुत जरूरी है, जो ठंडी जगह है वहाँ पे हीटर वगैरह ठीक से चल रहा है कि नहीं। तो हम लोग जैसे गए, क्योंकि पुराना प्रॉपर्टी है, काफी ठंडा लग रहा था, तो पता नहीं हीटर कितना काम करेगा, तो ये सब बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट जो चीज देखना है, अगर आप काम कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम या किसी भी वजह से, अगर मान लो कि मोबाइल यूज करना है तो इंटरनेट तो आपको चाहिए, तो इंटरनेट कनेक्शन भी आपको देखना होगा कि कौन कनेक्शन दे रहा है, प्रोवाइडर आपके पास यहाँ पे है। करेक्ट। जैसे हम लोग इंडिया में भी ये चीज चेक करते हैं कि उस एरिया में कौन दे रहा है, तो यहाँ पे जैसे यूएस में AT&T, स्पेक्ट्रम, एक्सफिनिटी, ये सब काफी ज्यादा फेमस है, तो ये सब देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों को बोला गया कि स्पेक्ट्रम देता है, शायद एक्सफिनिटी भी देता है। एक्सफिनिटी भी था। हाँ, तो वो पहले चेक करना बहुत जरूरी होता है, अगर आप घर में काम कर रहे हैं, मोबाइल वगैरह यूज कर रहे हैं तो। के बाद जैसे होता है कि ऑन साइट मेंटेनेंस, मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे इंडिया में आपका कुछ प्लम्बिंग का काम है और इलेक्ट्रिसिटी का काम है, घर तो रिलेटेड का जो भी काम होगा, जो भी काम है, इंडिया में आराम से आपको मैकेनिक और प्लम्बर मिल जाते हैं, एक फोन करने से आके 100-200 रुपए में काम हो जाएगा। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा लेबर चार्ज बहुत ज्यादा है, हाई है, तो अगर आप देख लेंगे कि ऑन साइट मेंटेनेंस है या नहीं तो आपके लिए इजी होगा, क्योंकि अगर वैसा है तो जब भी आपके घर में कुछ प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिसिटी का काम होगा, कुछ भी अप्लायंसेस खराब होंगे, तो वो लोग आके ठीक करके जाएंगे, नहीं होगा तो फिर आपको बाहर से मंगाना है, फिर $100 आपके ऐसे ही चले जाएंगे, तो इसके लिए वो भी देखना जरूरी है। और मेंटेनेंस में क्या आता है, लाइक वो गार्बेज कलेक्टर है या नहीं है, आपको बाहर डंप करना है या घर के बाहर कलेक्ट करके जाएगा। करेक्ट। तो मेंटेनेंस में ये सब भी आता है कि गार्बेज यहाँ पे कैसे कलेक्ट करेगा, जैसे अभी हम लोग डाउनटाउन में रहते हैं तो वहाँ पे अलग सिस्टम है, वहाँ पे बस आप जाके एक रूम में डंप कर देते हैं, घर के बाहर भी आपको जैसे रख दो लेके चला, तो आराम से वो लोग लेके चला जाता है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आके आपको डंप करना पड़ेगा। इवन इंडिविजुअल हाउस में भी बाहर एक बड़ा सा डस्टबिन रहता है जिसमें आप डंप करते हैं, और कोई ट्रक आता है फिर उसको ले जाता है, तो ये सब थोड़ा देखना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अभी निकल गए हैं वहाँ से, और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है बस आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो मेंटेनेंस तो आप लोगों को बता ही दिए, उसके साथ साथ और कुछ चीज़ें हैं, जैसे हो गया रिजर्व पार्किंग, तो जैसे हम लोग अभी डाउनटाउन में रहते हैं, वहाँ पे पहले फ्री पार्किंग था और एक रिजर्व पार्किंग, तो रिजर्व पार्किंग क्यों लेते हैं, क्योंकि वो कवर्ड होता है, और जैसे यहाँ पे स्नोफॉल वगैरह होता है उस समय अगर आपका कार बाहर रहेगा तो बहुत दिक्कत हो जाती है, तो कवर्ड पार्किंग लेना इसलिए ज़रूरी हो जाता है। तो कहीं कहीं पर कवर्ड पार्किंग फ्री भी होता है, कहीं कहीं पर पैसा लेते हैं, तो वो भी आप एक प्रॉपर्टी में, तो कभी कभी वो भी आपको एक प्रॉपर्टी में देखना होता है कि पार्किंग का क्या है, कैसे चार्जेस है। फिर यहाँ पे पेट के लिए भी अलग से चार्जेस होते हैं, जो कि इंडिया में नहीं है, अगर आप पेट पालना चाहो तो पाल सकते हो, बट यहाँ पे पेट के लिए चार्जेस होता है बहुत जगह में, तो वो भी आपको चेक करना है, क्योंकि वो सब चार्जेस ऐड होते जाते हैं आपके रेंट में। और नेक्स्ट फिर है जैसे पूल का, पूल के लिए भी कहीं कहीं पे चार्जेस होते हैं, पूल मेंटेनेंस के लिए चार्जेस लिए जाते हैं, तो वो भी आपको देखना है, क्योंकि इंडिया में ये सब मेंटेनेंस में इंक्लूडेड होते हैं, जो भी फैसिलिटीज है, अमेनिटीज है, बट यहाँ पे ये सब डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो ये सब भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है यहाँ। और ये सब तो हो ही गया, ऑलमोस्ट बता ही दिए है कि क्या क्या देखना है। और एक चीज जो देखना होता है, जैसे यहाँ पे दो टाइप के अपार्टमेंट्स होते हैं,
एक होता है कम्युनिटी बेस्ड अपार्टमेंट, एक होता है नॉन कम्युनिटी बेस्ड। नॉन कम्युनिटी बेस्ड क्यों बोल रहे हो, जो सिटी में जो सब अपार्टमेंट होता है या डाउन टाउन में यहाँ पे अपार्टमेंट्स होते हैं जैसे हम लोग अभी रह रहे हैं, वहाँ पे प्रॉपर कोई कम्युनिटी नहीं है। जैसे आपको अगर वॉकिंग एरिया चाहिए, प्लेग्राउंड चाहिए, ये सब नहीं होता है। बस लाउंज होता है, लाउंज एरिया में जाके आप बैठ सकते हैं, बट वो सब बिल्डिंग के अंदर होता है। और बिल्डिंग के बाहर अगर आपको वॉक करने जाना है या कुछ होता है तो वो सब एरिया नहीं होता है। और जो भी कम्युनिटी बेस्ड होता है वहाँ पे आप आराम से वॉक कर सकते हो, और प्लेग्राउंड वगैरह रहता है, बाहर रहता है। तो ये सब जो होता है कम्युनिटी बेस्ड में रहता है। और इवन जो इंडिविजुअल हाउस होते हैं वहाँ भी सब कम्युनिटी बेस्ड भी होता है, और कुछ कुछ होता है जो अलग से, जैसे आप जमीन खरीद के यहाँ पे लैंड खरीद के बनाया जाता है, वैसे भी इंडिविजुअल हाउस होते हैं। तो ये भी अगर आपका प्रेफरेंस है, जैसे हमारा प्रेफरेंस था, वो भी आप देख सकते हैं। तो सब कुछ जब आपको फाइनलाइज हो जाएगा, ऑलमोस्ट आपको लगेगा कि सब कुछ अच्छा लग गया है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो इवन इंडिया में भी होता है, हम लोग जो एग्रीमेंट वगैरह साइन करना होता है, तो यहाँ पे कुछ कुछ चार्जेस होते हैं, जैसे एडमिन चार्जेस होते हैं। और क्या होता है एडमिन चार्जेस छोड़ के, पेट वगैरह जो भी लेगा अगर आप एक्स्ट्रा है तो उसका वन टाइम फी लेता है। हाँ करेक्ट, वो सबका वन टाइम फी वगैरह लेता है। तो यहाँ डिपोजिट, हाँ डिपोजिट करेक्ट, जो डिपोजिट इंडिया में भी हम लोगों का कुछ महीने का डिपोजिट देना पड़ता है, 11 मंथ कहीं पे 1 ईयर का, यहाँ पे भी है कुछ शायद 2 मंथ का, ऐसा नहीं स्पेसिफिक अमाउंट लाइक $300 $400 ऐसा देना। ओके ओके, तो यहाँ पे मतलब कुछ स्पेसिफिक अमाउंट है जो देना पड़ता है। और यहाँ पे एक चीज क्या है, आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ता है अगर आपको जो डिपॉजिट या जो भी एडमिन फी जमा करना होता है। तो यहाँ जैसे हम लोग पहली बार आए थे तो हम लोग को ये सब पता नहीं था, तो फिर हम लोग पता किए जो ऑफिस में गए, वो लोग बताए कि नहीं यहाँ पे ऐसे कैश वगैरह नहीं लिया जाता है, फिर उसको बैंक में जाके डिमांड ड्राफ्ट करना पड़ता है, फिर ये सब वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो ये हो गया। लास्ट में जो एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो है आपका जो लीज पीरियड है। तो यहाँ पे कैसा लीज पीरियड चलता है, यहाँ पे 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स, इवन 1.5 ईयर और 2 ईयर्स का ऐसे लीज चलता है, तो वो आपको देख लेना है। और लीज ब्रेकेज जो होता है, अगर आप लीज ब्रेक करके अगर आप जा रहे हो तो उसका क्या चार्जेस होता है, वो देखना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोगों को भी पता नहीं था। जब लास्ट ईयर हम लोगों को चेंज करना था तब हम लोगों को पता चला कि अगर जो नोटिस पीरियड है अगर उससे पहले हम लोग लीज खत्म करते हैं तो एक लीज ब्रेकेज चार्ज देना होगा, जो कहीं कहीं पे 2 मंथ्स का रेंट लेते हैं, कहीं कहीं पे 1 मंथ का लेते हैं, या उससे भी ज्यादा कुछ फिक्स चार्जेस होते हैं, तो वो प्लीज देख लीजिएगा आप लोग। और दूसरा चीज है नोटिस पीरियड। तो कहीं पे नोटिस पीरियड 2 मंथ्स का होता है और कहीं पे 1 मंथ का होता है, कहीं पे मुझे लगता है 3 मंथ्स बहुत कम ही जगह में होता है, 1 मंथ और 2 मंथ्स इज लाइक ऑलमोस्ट सभी जगह होता है। तो बस ये जो मेन चीज है ये सब आप लोगों को देख लेना है, और जब सब कुछ फाइनल हो जाए, सब कुछ आपको ठीक लगे, तो आप आराम से अपना घर रेंट में ले सकते हैं। तो होपफुली ऑलमोस्ट सारे ही पॉइंट्स हम लोग कवर किए हैं, और जितना हो सके हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लोग आप लोगों के साथ शेयर किए। तो जो भी आप लोग US आएंगे, आप लोगों को हेल्प हो जाए, इसीलिए ये वीडियो हम लोग शेयर कर रहे हैं। तो बस वीडियो को भी मैं आज इसी के साथ यहीं पे एंड करूंगी। होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी सारा हेल्प करे। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगेगा आप लोगों को तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में जो भी नए आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द आप लोगों के साथ फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ठीक से रहिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।